लाइव शो पे हम जा रहे हैं और आज का जो दिन है वो बहुत अहम है। हम सब जानते हैं कि रमज़ान के आखिरी आयाम चल रहे हैं और 28वां रोज़ा माशाल्लाह किस तरह से रमज़ान गुजर गया। अक्सर हम सब ये बोल रहे होते हैं कि पता भी नहीं चला, और वो कहते हैं ना कि अच्छे दिन जो होते हैं, जो खुशी के दिन होते हैं, उनके गुजरने का पता भी नहीं चलता, और जो मुश्किल दिन होते हैं वो गुजरते ही नहीं गुजरते। तो इसी तरह से हमारे साथ भी है। अच्छा, यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो तो है लैलतुल जायज़ा। बेसिकली वो आखिरी रात, चाहे वो 29 की रात हो और अगले दिन ईद हो जिसे हम चांद रात कहते हैं, या फिर 30 की रात हो, वी डोंट नो कि अब कल होगी ईद या परसों ईद होगी, यानी कल चांद रात होगी या उससे अगले दिन होगी, तो कल जब वक्त आएगा तो पता चलेगा। लेकिन लैलतुल जायज़ा का जो टॉपिक है वो एक दिन पहले करने का मकसद ये है बेसिकली कि हम कल लैलतुल जायज़ा है तो आज से हम उसकी प्रेपरेशन करना शुरू कर दें। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कल हम अपने शो में डिस्कस करेंगे कि हमें अपनी ईद को कैसे सेलिब्रेट करना है, तो लैलतुल जायज़ा के हवाले से दो तीन मिसालें आपको देके समझाने की कोशिश करूँगी कि बेसिकली लैलतुल जायज़ा किस कदर अहम है। शब कदर की अहमियत के बाद अगर कोई अहम रात है रमज़ान की तो वो लैलतुल जायज़ा है, जो कि आखिरी रात होती है ईद से पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल है कि आपने एक घर तामीर किया, आपने ख़ुद से उसकी बड़ी बहुत ज़्यादा मेहनत की, उसको हर लिहाज से उसकी इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ किया। जब वो तामीर हो गया और बिल्कुल मुकम्मल हो गया तो आपने उसको तुड़वाना शुरू कर दिया दोबारा से, और उसके ऊपर आप खुशी का भी इजहार करें, तो ऐसी हरकत करने वाले शख्स को कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं कहेगा। डेफिनेटली उसको एक बेवकूफ़ इंसान समझा जाएगा कि जिसकी तामीर के लिए, जिस इमारत की तामीर के लिए इतनी मेहनत, इतना पैसा, इतनी जस्तजू हुई, और जब वो तामीर हो गया तो आपने उसको तोड़ना शुरू कर दिया। दूसरी मिसाल मैं आपको देना चाहूँगी, आप माली जो आपके गार्डनर्स होते हैं वो आपके घरों में होते हैं, अगर आप उनको देखें तो वो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, धूप सर्दी आती है तो धूप से बचा रहे होते हैं पौधों को, बहुत ज़्यादा गर्मी आती है बहुत ज़्यादा पानी दिया जाता है, सींचा जाता है, यानी माली जो है वो बहुत मेहनत करके एक छोटे से पौधे को तनावर दरख्त बनाता है। अब आप ये सोचें कि वो तनावर दरख्त बन जाए, उसके ऊपर फल भी लग जाए, जब वो फल लग गया हो, अभी आपने उसको उतारना है उस फल को जिसके ऊपर इतनी मेहनत की है, और अगर उस वक्त आप उसको कुल्हाड़ी लेकर उसको तोड़ना शुरू कर दें, उसको काटना शुरू कर दें, फल भी ना उतारें, तो उस शख्स को भी कोई अक्लमंद इंसान नहीं कहेगा, डेफिनेटली बेवकूफ़ी कहेगा कि जब वक्त आया इतनी मेहनत करने के बाद उसको फल खाने का, तो ये हरकत उसने क्या शुरू कर दी। इसी तरह से एक और तीसरी मिसाल आपको देना चाहूँगी कि अक्सर अवकात हम देखते हैं कि बच्चे अपने स्कूल कॉलेजेस में जो प्रेपरेशन कर रहे होते हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ कर रहे होते हैं, वो सारा साल पढ़ते हैं। सारा साल पढ़ने के बाद कमरा इम्तिहान में गए, कमरा इम्तिहान में आपने पेपर हल किया, आप जानते हैं कि आपने जो पूरी मेहनत की थी वही पेपर में आया, आपने पेपर हल करने के बाद उस पेपर को फाड़ा और वो फटा हुआ पेपर आपने अपने टीचर को दे दिया, और उसके बाद आप निकल के बाहर आ गए कमरा इम्तिहान में और आपने उछल कूद करनी शुरू कर दी और हल्ला गुल्ला करना शुरू कर दिया, तो ऐसे शख्स को भी डेफिनेटली कोई भी अक्लमंद नहीं कहेगा। हम रमज़ान में बहुत मेहनत करते हैं, हम रोज़े रखते हैं, हम इबादतें करते हैं, रातों को जागते हैं, सारा दिन भूखे प्यासे रहते हैं, मगर जब ये आखिरी रात आती है, ये वो रात है कि जिस रात में अल्लाह सुबहाना व ताला ने हमारे हाथों में इनाम देना होता है। हम तो अपने घरों में बच्चों को ईदी जो है वो ईद वाले दिन देते हैं, मगर ये इनाम की रात है, ये वो तमाम मेहनत जब आप कर लेते हैं तो ये वो रात है कि जिस दिन हमें वसूल होनी होती है हमारा एक इनाम, या जो हमारी कमाई है अल्लाह सुबहाना व ताला ने हमें देनी होती है। मगर हम पूरा रमज़ान इतनी मेहनत करने के बाद जब ये रात आती है तो हम इसको अपने कपड़े ख़रीदने, बाज़ार जाने, बाहर खाने पीने और इस तरह से गुजार देते हैं, जबकि ये रात भी दरअसल और दर हकीकत इबादत की रात है। अल्लाह सुबहाना व ताला से वो तमाम जो दुआएं और मगफरत और निजात और रहमतें हमने समेटी हैं उसके ऊपर मुहर लगवाने वाली रात है। तो आज अपने इस शो में हम आज के शो में लैलतुल जायज़ा के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और ये जानेंगे कि इसकी क्या अहमियत है और हमें इसको किस तरह से गुजारना चाहिए। अगर आपको अपनी ईदी चाहिए तो इस रात को ज़ाया ना कीजिए, लैलतुल जायज़ा को उस तरह से मनाइए जिस तरह से मनाने का हक है। वो किस तरह से मनानी है, उसको मनाने का हक क्या है, इंशाल्लाह यही आज हम अपने प्रोग्राम में
डिस्कस करेंगे, तो ज़रूर देखिएगा आज का शो. एंड आई वुड लाइक टू डेफिनेटली नो व्हाट टू डू इन दिस नाइट. एंड ऑफ कोर्स आप भी चाहेंगे कि किस तरह से इस रात का हक अदा किया जा सकता है ताकि हम वो तमाम इनामात हासिल कर सकें जो अल्लाह सुबहाना व ताला हमें देना चाहता है इस रात इंशाल्लाह.